की जय। मगावात जाकनापासून जजा हृदयापर्यंत जाऊन पोहोचतोय अशा माझ्या मायमावल्यांना आणि बंधू भावांना आपल्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये एक प्रश्न निर्माण होत असेल की विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते असल्या उन्हामध्ये कसल्या घोषणाबाजी करतात, विद्यार्थ्यांच्या विरोधात कसले नारेबाजी करतात। मित्रांनो, आपल्याला सांगू इच्छितो की या कोरोना महामारीच्या काळापाई गेल्या 3 वर्ष झालं आपला भारत देश बंद होताच, परंतु एक जग सुद्धा बंद होत। परंतु काल 1 तारखेला गुढीपाडव्या दिवशी आपल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांनी एक निर्देश जारी केले, एक नोटीस काढले की त्या नोटीसच्या प्रमाणे या महाराष्ट्रातील जे काही कोरोनाचे बंधन असतील त्या बंधनातून या महाराष्ट्राला मुक्त केलं। मला वाटत नाहीये की नोटीस ती विद्यापीठापासून आली असेल, कारण की 1 महिना झालं तरी देखील विद्यापीठातील जे काही हॉस्टेल आहे ते हॉस्टेल पूर्ण 100% क्षमतेनं आणि चालू झालं नाही। कुलगुरु साहेब, तुम्ही दररोज एसटीच्या रूम मध्ये बसताय, पर माझा मराठवाड्यातून आलेला, विदर्भातून आलेला, खानदेशातून आलेला आणि भारताच्या कानाकोपऱ्यातून आलेला माझा बंधू उघड्यावर झोपतोय, त्याला फुटपाथ वर झोपायची वेळ आली, खरं तर लाज वाटण्यासारखी गोष्ट। विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सर्वांना माहित आहे के विद्यापीठ प्रशासन कशा पद्धतीने भोंगळा कारभार चालू आहे। आपल्या विद्यापीठाचे कुलसचिव प्रफुल्ल पवार साहेब त्यांच्या घरावर 1.5 कोटीचा खर्च केलाय आणि विद्यार्थ्याकडून 2 महिन्यासाठी हॉस्टेलची 3-3.5। तो हाँ जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है पुणे की तरफ से। हाँ जी दोस्तों, आपको हमने वीडियो दिखाया सबसे पहले और सभी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो नहीं आ पा रहे हैं वो आ सके इस वीडियो को देखने को। देख सकते हो एक भाई कितना गुहार लगा रहा है, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है कुर्सी पर चढ़ के कि हमारे मांगे पूरी किया जाए। और हमने अच्छी तरीके से तैयारी तो अच्छी तरीके से किया है किंतु ऑनलाइन परीक्षा लिया जाए। यानी कि कुल मिला के आप सभी को हम बता देना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में अदर स्टेट में जो भी प्रोटेस्ट की गई है और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया वहाँ के मंत्रियों ने। हालांकि बातों को घुमाया जा रहा है कुछ समय के लिए, किंतु जो आपकी जो मांगे वो पूरी हो जाएगी 100%। अगर आप पीछे हट जाओगे तब कोई फ़ायदा होने वाले नहीं है, ठीक है। तो यही है, हाथ से पकड़ा हुआ कोई भी पंछी या कहे तो छूट जाएगी। तो बस आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितने भी आपके पास ग्रुप है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप पहुँचिए पुणे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। आज 9 बजे 11 बजे है और ये आंदोलन चलेगी तकरीबन 1-2-3-4 घंटे, कितने घंटे भी चल सकती है, ठीक है, शाम तक चलने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये और इन विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाइए, ठीक है। बूंद बूंद से ही तबला भरता है और बस ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एकत्रित होइए और सपोर्ट कीजिए उन भाइयों का, ठीक है। आपका एग्ज़ाम होगा ही, ऑनलाइन होगा, ठीक है। सभी कर रहे हैं, इधर दिल्ली में बहुत ही हाई लेवल प्रोटेस्ट हो रहा है DU OBE वाली यूनिवर्सिटी के लिए। तो बस अपना जो हक की लड़ाई है वो लड़ेंगे और ले करेंगे।